देश की पहली महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट 2019 पेश कर रही हैं। इस दौरान उन्होंने महिलाओं के विकास और देश की अर्थव्यवस्था में उनकी भागीदारी का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि सरकार महिलाओं की स्थिति को सुधारने पर जोर दे रही है। महिलाओं के लिए घोषणा करने से पहले निर्मला सीतारमण ने नारी तू नारायणी नारा देते हुए कहा कि इस सरकार का मानना है कि हम अधिक से अधिक महिलाओं की भागीदारी के साथ प्रगति कर सकते हैं और उन्होंने कहा कि सरकार ने महिला उद्यमिता को बढ़ावा दिया है। मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को सस्ता लोन देने का ऐलान भी किया है। महिला उद्यमियों को अब 1,00,000 तक का लोन दिया जाएगा। साथ ही जनधन खाते वाले प्रत्येक सत्यापित महिला SHG यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप सदस्य 5,000 रुपये के ओवरड्राफ्ट की अनुमति भी दी गई है। साथ ही महिलाओं को अधिक से अधिक स्वावलंबी बनाना हमारी सरकार का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि आगे भी महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए विमन SHG इंटरेस्ट सबवेशन प्रोग्राम को हर जिले में लागू करने का प्रस्ताव करती हूँ। लोकसभा चुनाव 2019 का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि बीते चुनाव में रिकॉर्ड संख्या में महिलाओं ने मतदान किया है, उसके साथ ही रिकॉर्ड 78 महिला सांसद इस सदन में चुनकर आई हैं। द डेली न्यूज रूम से अभिलाष पांडे की रिपोर्ट।